नमस्कार, मैं अनुप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में मैं मौजूद हूँ हमारे पोर्ट ब्लेयर के एम्प्लॉयमेंट हेडक्वार्टर के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस है उसमें इस वक्त में मैं मौजूद हूँ। और जो एक विचार मेरे मन में आ रहे थे और जो एक दिक्कतें मैंने अभी एडमिनिस्ट्रेशन में गरीब बच्चों को लेकर देखा है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, वो यहाँ आते हैं और एम्प्लॉयमेंट कार्ड बनाते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या सजेशन मेरा रहेगा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या गलतियाँ हो रही है इस वक्त, और हैरेसमेंट हो रहा है जो बेरोज़गार युवाओं के साथ, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं जानकारी लेना चाहता हूँ यहाँ पर आकर कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड बनाने के प्रोसेस क्या है, वो हम जानेंगे। यहाँ पे इस वक्त में हमारे वोकेशनल गाइडेंस ऑफिसर एंड काउंसलर विमला मैडम जी का ये कमरा है, हम उनसे जानेंगे और पूछेंगे कि ये प्रोसेस क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि मसला क्या है और सजेशन क्या है। नमस्कार मैडम। मैडम, हम ये जानना चाहते हैं कि एक बच्चा अनएम्प्लॉयड यूथ, पढ़ा लिखा, अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड बनाना चाहे तो उसका उसके प्रोसेस क्या होते हैं और उनको क्या करना होता है। जी, एक अनएम्प्लॉयड यूथ जब ऑफिस में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आता है तो उसको अपने डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर के आना होता है। वो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, जैसे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हुआ, कैटेगरी सर्टिफिकेट हुआ, किसी तरह का टेक्निकल कोर्स किया हुआ सर्टिफिकेट है, या किसी तरह का लोकल सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट इफ़ अगर उनके पास है तो, वो ये सारे सर्टिफिकेट वो लेकर के आ जाए। और आने के बाद उनका सर्टिफिकेट देखने के बाद उनको फॉर्म इशू किया जाता है। वो फॉर्म, वो उनका बायोडाटा जो है वो कैंडिडेट खुद भरते हैं। तो वो बायोडाटा डिटेल जो दे देते हैं और सर्टिफिकेट को देखते हैं तो उसके बेसिस में हम लोग उनको एक आई कार्ड इशू करते हैं, और सर्टिफिकेट के पीछे उसी टाइम में सील करके उसी टाइम इमीडिएटली ओरिजिनल सर्टिफिकेट उनको वापस कर देते हैं। आप कहना चाह रहे हैं मैम कि बच्चे जो हैं वो जो भी हो, कैटेगरी है, क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल हो, कुछ भी हो, सारे तमाम ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास लाना होता है। जी, ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ आना होता है और उनके सर्टिफिकेट फॉर्म बायोडाटा के साथ में हम लोग उसको कंप्यूटर में ले लेते हैं और उसके बाद उनको आई कार्ड इशू करते हैं विद फ़ोटो। हम लोग उनका फ़ोटो भी लेते हैं, फ़ोटो के साथ आई कार्ड इशू कर देते हैं उनको। और सर्टिफिकेट के, उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट के पीछे आपने कहा कि सील भी आप लोग लगा देते हैं, ऐसे है? जी, उसके सर्टिफिकेट के पीछे सील कर देते हैं कौन सा डेट में वो रजिस्ट्रेशन हुआ उनका, तो वो सर्टिफिकेट सर्टिफाइड हो जाता है और उसके बाद उसको रिटर्न कर देते हैं। और मैडम, ये फाइनली जो है, जो एम्प्लॉयमेंट कार्ड बनती है, इसमें जब सिग्नेचर का वक्त आता है, अथॉरिटी जो है वो यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिसर होते हैं, जो मेरे ख्याल से ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर है, क्या सही है मैडम? जी, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का यहाँ पोस्टिंग है तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के साइन से उनको आई कार्ड इशू करते हैं। और ये गैजेटेड ऑफिसर, जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर होते हैं, जो सर या मैडम, वो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही आते हैं ना? जी सर, ये अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही ये पूरा डिपार्टमेंट आता है, तो ऑफिसर भी उनके अंदर ही आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको बताएंगे, ज़रा हम वहाँ चलते हैं। ये आपने मैडम को सुना और ये आपको बता दे, आपने जानकारी ली कि एम्प्लॉयमेंट कार्ड बनाने के लिए आपको आपके तमाम ओरिजिनल सर्टिफिकेट को लेकर के आना होता है, उसकी वेरिफिकेशन होती है, तमाम वेरिफिकेशन के बाद कंप्यूटर में फीड किया जाता है, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट के पीछे जो मैडम ने कहा, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के सील लग जाते हैं, सील लगा करके दिया जाता है। तो यानी हम ये मान ले कि ये अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के एक जो यूनिट है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक डिपार्टमेंट है, इनका ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूफ करता है उस डॉक्यूमेंट में कि आप लोकल सर्टिफिकेट होल्डर हो, लोकल सर्टिफिकेट में आपकी कैटेगरी क्या है, आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, ये तमाम चीज़ें, यहाँ तक कि आपके शरीर में जो चिन्ह है, कट मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन मार्क जिसको कहते हैं, वो भी वहाँ पर दर्शाया जाता है, अंकित किया लिखा जाता है। तो मेरा सवाल अब एडमिनिस्ट्रेशन से है, तो क्यों
एक गरीब बच्चा जिसको नौकरी की उम्मीद नहीं है, वो कहीं पे या कोई और लोन के लिए या सरकारी कोई नौकरी के लिए आवेदन करता है, तो उस वक्त में उस गरीब जिसके पास खाने को पैसे नहीं हैं, उनको अगर 15 जगह पे उसे एप्लीकेशन सबमिट करना होता है, तो उसे फिर से वही तमाम डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स करवाने होते हैं। और अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के ही डिपार्टमेंट दूसरे, वो उनसे वो तमाम डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स और अटेस्टेड किए हुए जेरोक्स कॉपी मांगते हैं। तो मेरा सवाल ये है, जब क्लास एक बी गैजेटेड ग्रुप बी के गैजेटेड ऑफिसर जिनको सर्टिफाई करते हैं कि इनके पास में लोकल सर्टिफिकेट है, क्वालिफिकेशन ये मौजूद है, तो क्यों नहीं सिर्फ इसी एम्प्लॉयमेंट कार्ड को ही लोकल का प्रूफ माना जाए उस वक्त के लिए, और उनके कैटेगरी को माना जाए और क्वालिफिकेशन को माना जाए, आइडेंटिफिकेशन मार्क मान लिया जाए, और अगर उस बच्चे का सिलेक्शन होता है, लिस्ट में नाम आता है, उसके बाद उसको कहा जाए कि वो अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ में लेकर के आए अपना वेरिफिकेशन के लिए उस वक्त फाइनल जब होता है, ताकि गरीब बच्चे ये बेतहाशा भाग करके पैसे मांग करके ये जेरोक्स करवाते फिरे, पैसे खर्च करे, और कहीं ना कहीं ये लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में ही कार्यरत और दूसरे जो डिपार्टमेंट है वो अपने ही डिपार्टमेंट के ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर के जो सिग्नेचर सील है उसको मान्यता नहीं दे रहे हैं। मेरी गुजारिश यही रहेगी संघर्ष आज तक की ओर से कि आगे से इस पे ध्यान दिया जाए और इस पे विचार विमर्श किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन के उच्च अधिकारी इस पे विचार विमर्श करें और इसे वो मान्यता दे, ताकि ये जो तकलीफ है एक अनएम्प्लॉयड यूथ बेरोजगार जो अपने ही हालात से बेरोजगारी के हालात से जूझ रहे हैं, उसको कुछ निजात मिले और कम से कम ये मैसेज पब्लिक के भीतर पहुँचे कि एडमिनिस्ट्रेशन के आपस के ही डिपार्टमेंट में कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है, वरना यही प्रतीत होता है कि आपस में ही ये एक दूसरे के अथॉरिटी को कहीं ना कहीं ऐसे रवैये से चैलेंज कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं कैमरामैन मूर्ति के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।